बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान ने 3 जुलाई को ये अनाउंसमेंट किया था कि वो अपनी वाइफ किरण राव से डिवोर्स ले रहे हैं। आमिर खान की इस चौंका देने वाली अनाउंसमेंट के बाद अब एक और हैरान कर देने वाला अपडेट सामने आया है। आमिर खान पर पिछले 2 दिनों से लव जिहाद को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि आमिर खान हिंदू औरतों से शादी करके उनका इस्तेमाल करते हैं अपनी फिल्मों के लिए, और जब एक्टर आमिर खान का मतलब पूरा हो जाता है तो वो बड़ी चालाकी से अपनी पत्नियों को तलाक दे देते हैं। लेकिन अब जो आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव के डिवोर्स को लेकर खबर सामने आ रही है वो सभी फैंस को चौंका देगी। जी हाँ, पहले ये अनाउंसमेंट किया गया था कि आमिर खान किरण राव से तलाक लेने वाले हैं। हालांकि इनके रिश्ते में बस थोड़ा बदलाव आएगा और ये दोनों एक दूसरे के साथ यूं ही खुशी खुशी जीवन बिताएंगे। लेकिन अब एक और अपडेट सामने आया है कि आमिर खान किरण राव से तलाक नहीं लेने वाले हैं और इन दोनों ने डिवोर्स पेपर पर साइन करने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अर्पण न्यूज़ को। आमिर खान ने इंडस्ट्री में ना सिर्फ अपनी फिल्मों से रिकॉर्ड बनाया है बल्कि अब अपनी लव लाइफ से भी आमिर खान ने कई रिकॉर्ड बना दिए हैं जो कि उनके लिए खतरे की घंटी बन चुका है। आमिर खान ने जब ये अनाउंसमेंट की कि वो अपनी वाइफ किरण को तलाक देने वाले हैं तो पूरा सोशल मीडिया आमिर खान के खिलाफ हो गया और ये आरोप लगाने लगा आमिर खान पर कि वो लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला काम कर रहे हैं। जब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होकर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो आम लोगों से क्या उम्मीद की जाएगी। आपको बता दें, वहीं अब एक फेक आर्टिकल सामने आया जिसमें कहा गया कि आमिर खान ने लोगों का गुस्सा देखकर अपना फैसला बदल लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल एक वीडियो सामने आया है आमिर खान की अनाउंसमेंट के बाद जिसमें उन्होंने अपने फैन से कुछ कहा है। देखिए आमिर खान और किरण राव का ये वीडियो जी। और आप लोगों ने हाल ही में शायद सुना होगा, हमने कल अपने डिवोर्स का एक अनाउंसमेंट किया था तो आप सबको शायद दुख पहुंचा होगा, शॉक भी पहुंचा होगा, पर हम आप लोगों को आश्वासन देना चाहते हैं, आपको बिज रहेंगे, काम भी साथ करेंगे। पानी फाउंडेशन तो हमारे पानी फाउंडेशन एक्चुअली हमारे बच्चे की तरह, जैसे आजाद हमारा बच्चा है वैसे पानी फाउंडेशन भी हमारा बच्चा है, तो काम करेंगे, फिल्में भी साथ में ही करते हैं हम लोग। तो ये हम लोग आपको बताना चाह रहे थे कि आपको दुख ना हो, पिछले 4-5 सालों से हमने सोचा और आप लोग हमें ब्लेसिंग्स चाहिए, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा हमारे बारे में, कल आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, हमारी अनाउंसमेंट आई थी किरण जी और मेरी, तो आप लोग को हमको आप लोग को दुख भी हुआ होगा, अच्छा नहीं लगा होगा, शॉक लगा होगा, और हम बस इतना आपको कहना चाहते हैं कि हम लोग दोनों बहुत खुश हैं और हम एक ही परिवार हैं। हमारे रिश्ते में चेंज आया है लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ ही हैं तो आप लोग ऐसा कभी मत सोचिएगा। और पानी फाउंडेशन हमारे लिए आजाद की तरह है, जो हमारा बच्चा है आजाद, जैसे पानी फाउंडेशन, तो हम लोग हमेशा फैमिली रहेंगे और आप लोग हमारे लिए आप दुआ करिए, प्रार्थना करिए कि हम खुश हों, और बस यही कहना था हम लोग को। आमिर खान ही नहीं बल्कि इस फैसले से किरण राव भी खुश नजर आ रही हैं, जिसके बाद ये कहना गलत होगा कि आमिर खान ने जानबूझकर किरण राव को डिवोर्स दिया है। वेल, आपको क्या लगता है, किरण राव पर क्या दबाव डाला गया है आमिर खान को डिवोर्स देने के लिए? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें।